तनाव से अब हमारे साथ है सुमित कौल, जो कि खास किरदार में हमारे बीच नज़र आने वाले हैं तनाव में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक खूंखार अवतार है आपका जो हमारे बीच आया है। क्या कहेंगे, कैसी रही है जर्नी? पहले तो जैसे मैं कह रहा था कि ये जो खूंखारपना जो होता है, वो आई थिंक मुझे लगता है हम सब के अंदर होता है। जैसे हम सब के अंदर एक बारूद भरा होता है, बस चिंगारी लगाने की देर होती है। लेकिन आप उस बारूद के साथ क्या करते हैं, ये आपके ऊपर है। क्या आप किसी ठंड में बैठे इंसान को आराम देने के लिए आग जला लेते हैं, या किसी आराम से बैठे इंसान की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं? वो कई बार आपके आपके अंदर जो तनाव होता है उस पर डिपेंड करता है। और ये भी जो है वो हर इंसान में मौजूद होता है। तो जर्नी तो बहुत ही कमाल की रही, क्योंकि आप एक अभिनेता के तौर पर आपको अपने तनाव से हटकर किसी और के तनाव में जीने का मौका मिलता है। तो मुझ में मेरा बारूद पड़ा है, फॉर्चुनेटली मैं अपने बारूद का जितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकूं करता हूं, और उसे बेवजह किसी की तिल्ली से दूर रखने की कोशिश करता हूं। पर इस केस में मुझे किसी और का जीवन जीना था, किसी और के तनाव को जीना था, किसी और के बारूद को अंदर महसूस करना था। और वो करने में मज़ा तो आया ही, मुश्किलें भी बहुत आईं और तनाव भी बहुत महसूस किया। अभी तनाव फील हो रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद स्ट्रीमिंग है? हाँ, कुछ हद तक मैं ना तो नहीं कह सकता, ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये इस तरह है, क्योंकि मैं एक पिता भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि चार साल की उम्र तक मैंने अपनी बच्ची को पाला, एकदम उसको सहेज कर रखा, और फिर उसके स्कूल जाने का वक्त आ गया तो मुझे उसे जाने देना पड़ा। जहाँ मुझे पता था अभी 8 घंटे जो है मुझसे दूर रहेगी, अपने आप रहेगी, अलग लोगों में जिनको मैं नहीं जानता उनके साथ रहेगी, कैसा होगा क्या होगा, तो उसकी जो एक 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 एंग्शियसनेस होती है आपके अंदर, जो एक मैं उसे भय तो नहीं कहूँगा, पर एक उम्मीदाना डर जो कहते हैं, वो है कि आपने जिस बच्चे को संजो कर पाला है, बड़ा किया है, उसमें अपना जीवन डाला है, अब उसके आगे आप और कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हारे हवाले तनाव साथियों वाला मामला है, कि अब ऑडियंस देखे, और हमारी बस ये उम्मीद है कि लोग उसे, हमने जो इसमें इन कैरेक्टर्स, इन लोगों का सच बयां करने की जो कोशिश की है, उसे लोग सराहें, और अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को बोलें कि ये देखें सोनी लिव पे। साथी, सुमित जी, जब ऐसे कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी कुछ उन कैरेक्टर्स के साथ होता है जो हम, वो बॉडी लैंग्वेज ही हो, वो रुक रुक कर कहना ही हो, वो डायलॉग्स के डिलीवरी का जो तरीका हो, क्या कुछ तैयारियां रही जो कि आपने जर्नी की बात की, क्या तैयारी आपने पर्सनल लेवल पे की, या फिर वर्कशॉप की, या क्या क्या कुछ कोशिश रही? तो तैयारी तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रही मेरे लिए, और मुझे लगता है कि एक अभिनेता को जो असली काम होता है वो सेट पर के बनस्पत उससे पहले का तैयारी होती है। बाकी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक अभिनेता के काम को उन चीज़ों से आंकते हैं कि वो कैसे खड़ा होता है, कैसे डायलॉग डिलीवरी करता है, कैसे हाथ रखता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशनल जो एक्टिंग है, मैं उससे ऑन अ पर्सनल लेवल मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या मैं उसकी एनर्जी को, उसके जज्बातों को क्या मैं महसूस कर सकता हूँ, उसकी सोच को क्या मैं महसूस कर सकता हूँ, और वो क्या है, क्यों है, जो सोचता है वो क्यों सोचता है, वो जो करना चाहता है क्यों करना चाहता है, उसकी परवरिश कैसी रही है, क्योंकि मेरे से बहुत अलग रही है। तो क्या मैं उसको पहले समझ सकता हूँ, फिर उसे अपना सकता हूँ, और उसे अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। एक बार मैं उस पॉइंट पर आ गया
उसके बाद लाइनें कैसे निकलेंगी, मैं कैसे खड़ा होऊंगा, मैं कैसे देखूंगा, वो काफी हद तक मेरे हाथ में नहीं होता। वो मुझे सिर्फ अंदाजा होता है कि भाई ठीक है कैमरा यहाँ है तो मुझे उसके अंदर ना देखकर आपसे बात करनी है, ऐसे करके एक अंदाजा होता है। और फिर उसके साथ अगर आपको एक जीनियस डायरेक्टर सुधीर मिश्रा जी के साथ काम करने का मौका मिले तो वो तो वो, हाँ, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही, वो जगह को, उस प्लेग्राउंड को ऐसा बना देते हैं कि भाई तू खेल। और फिर आप खेलते हैं तो खेल में तो आपको पता नहीं चलता है कि आप लेफ्ट से खेल रहे हैं, राइट से खेल रहे हैं, यू नो, आप फोरहैंड मार रहे हैं, बैकहैंड मार रहे हैं, आप सोच तो नहीं रहे होते हैं, खेल के वक्त आप खेल रहे होते हैं, आपको सिर्फ जीतना होता है, आपका ध्यान वहीं होता है। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है कि मुझे लगता है अभिनेताओं को और श्रोताओं को भी इस माइंडसेट से निकलना चाहिए कि एक अभिनेता का काम जो है वो डायलॉग को एक तरह से बोलना, हाथों को इस तरह से इस्तेमाल करना और हाथों को ऐसे रखना और इस तरह से बोलना और ऐसे देखना, ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशनल एक्टिंग है जो मुझे लग रहा है अब ख़त्म हो रही हैं। ऑडियंस यूँ कहें बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है, जागरूक हो गई है, वो परख पाती है कि ये एक्टिंग है और इसे आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए ये ऐसी शरारतों के बीच क्या वादियों का क्या मज़ा था कश्मीर के? नहीं, कश्मीर तो घर है मेरे लिए और खूबसूरत तो बहुत है ही, और मुझे लगता है वो खूबसूरत ज़्यादा जो है उस जिस तरह से आप बोल रहे हैं वो ज़्यादा एक वो जो क्या कहते हैं एक जो एक एक टूरिस्ट होता है उसके लिए है। तो अब तो मैं जब कश्मीर को देखता हूँ तो मैं उसको एक टूरिस्ट की तरह नहीं देखता, मैं उसको उस घर में बस रहे एक इंसान की तरह देखता हूँ। मैं एक सुकून महसूस करता हूँ लेकिन एक तनाव भी महसूस करता हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसकी जो एक कॉम्प्लिकेशंस, एक कॉम्प्लेक्स उसकी जो हिस्ट्री रही है, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते मुझे अपने घर से बाहर निकाला गया, तो वो जो दर्द है वो भी कहीं जाएगा नहीं, वो तो रहेगा। लेकिन अब जब मौका मिलता है उस घर में फिर वक्त बिताने का, चाहे वो काम के ज़रिए भी हो या जाने के ज़रिए हो, तो वो जो एक संतुष्टि है वो तो नहीं जाती ना, वो तो होती है। आप दुनिया जहान घूम कर आए हैं, कितना भी आप झंडे गाड़ लें, जो भी कर लें, पर जब आप घर आते हैं तो एक अलग तरह का सुकून होता है, और वो मिला। और इस शो के लिए वहाँ शूट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक तरह से आप देखें तो कश्मीर इस शो का एक कैरेक्टर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो और कहीं शूट करते तो आपको वो एनर्जी ही नहीं मिलती। नहीं, साथ ही अगर बात की जाए, अब वक्त कहें धीरे धीरे कम हो रहा है, 11 को स्ट्रीमिंग है और इंतज़ार भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, एक कश्मीर ऐसा पॉइंट भी है कि लोग देखना चाहते हैं, उसके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे फाइनली जो दर्शक हैं जो इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें? आई थिंक ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एज एक हिंदुस्तानी के होने के नाते, एक पेट्रियट होने के नाते, मैं जो एक टेररिज्म है या एक टेररिस्ट है, मैं उसको ना कभी जस्टिफाई करूँगा ना उससे कभी रिलेट कर सकता हूँ। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं, मैं कश्मीरी पंडित होने के नाते, क्योंकि मैं अपनी आधी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी तो मैंने ये जो उमर रियाज जैसा किरदार है उसको हेट करते हुए निकाला है कि मेरे लिए तो ऐसे इंसान की वजह से मैं अपने घर से बाहर निकला। लेकिन इस शो के ज़रिए मुझे उसे जानने का मौका मिला, उसे समझने का मौका मिला, ये तय करने का मौका नहीं मिला कि जो वो कर रहा है गलत सही है, लेकिन ये समझने का मौका मिला कि वो भी एक इंसान है, वो भी मेरी तरह अपनी परिस्थितियों का गुलाम है, उनसे अफेक्टेड है, और उसकी भी अपनी कंडीशनिंग है, और
वो मुझे अपने आप से ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मेरी परवरिश वैसे हुई होती, उन लोगों के बीच में पला बड़ा होता और उस तरह की सोच मेरी हुई होती, तो क्या मैं वैसा नहीं करता? मैं ना नहीं बोल पाता, शायद हाँ ना बोल पाऊँ पर ना नहीं बोल पाता। तो ये मैं शायद ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आप जब इस शो को देखें, एक तो पहले हमने ही बहुत सच्चाई से एक नज़रिया नहीं पकड़ा है, दोनों नज़रिए, जैसे कहते हैं कि यू नो टू साइड्स ऑफ द सेम स्टोरी, जो हमने कहा है तनाव, वो सच्चाई है इस स्टोरी की कि हमने दोनों पहलू रखे हैं साथ में, ये बताने के लिए नहीं कि ये भी सही है, नहीं, पर ये भी सच्चाई है। आप सच्चाई देखें यू नो, और आप देखें कि क्या हो सकता है शायद उसके जो दुष्कर्म हैं उमर के, आपको आपको उनसे घृणा हो जाए, लेकिन क्या आप उमर को समझ सकते हैं? क्योंकि हमने समझा है। तो वो जब रखते हैं तो आप एक होलिस्टिक व्यू देखते हैं, आप उस सिचुएशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस तनाव को संपूर्ण तरीके से देख पाते हैं, और होपफुली आपके अंदर कुछ सवाल उठें जिनके जवाब आप ढूंढना चाहें। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे हम अपनी जीत मानेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं अगली ये मुलाकात हम सेलिब्रेट करेंगे इसकी सक्सेस को। थैंक यू सो मच हमसे बात करते हैं। कैमरामैन स्वप्निल दयालकर के साथ मैं हूं शुक्ला, आज तक मुंबई।